आइए दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल जिसका नाम है ऑक्टोपैड मेनिया। दोस्तों, आज एक और पैड की बहुत ज़रूरी सेटिंग लेके आ चुका हूँ। आप लोगों को पता होगा तो सही है, लेकिन मैं इसमें और अच्छे से आपको समझा देता हूँ। शायद आपको बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझना भी चाहिए, क्योंकि लाइव प्रोग्राम में जब हम लोग बजाते हैं तो हमें कई बार दिक्कत आती है हमारे मनपसंद पैच के लिए। जब हमें बदलना होता है तो हमें टाइम लग जाता है, उस चक्कर में कई बार लाइव प्रोग्राम में मतलब कई चीज़ें छूट जाती हैं। इसलिए आज मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी सेटिंग पैच चेन लेके आ चुका हूँ, और अगर आप उसको एक बार समझ लेंगे तो लाइव प्रोग्राम में भी आप झटपट उसको बना लेंगे। और ऐसा नहीं है, अगर आता भी है तो सही है, लेकिन मैं इसको और एक अच्छे से आपको समझा दूंगा कि फटाफट से आप इसको कैसे बना सकते हैं। तो आइए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और लास्ट वीडियो आप जाके देखिए, मैंने वहाँ पे आपको एक और सेटिंग के बारे में बताया है, और वो सेटिंग है हमारी डिले का यूज़ किस तरीके से करें। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो जाके फटाफट से देखिए। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मान लीजिए हमें लाइव प्रोग्राम में पैच बजाना है सीधे कहरवे का, और वहाँ पे हमने परकेशन लेने हैं। अब क्या है, हमें फटाफट से अगर ढप लेनी है तो, और वो हमारी किसी और नंबर पे, मान लीजिए 92 पे है, तो हमें यहाँ से फटाफट से प्लस करके, जब तक तो काफ़ी चीज़ें निकल जाएंगी तब हम ढप पे पहुँचेंगे। लेकिन आपको मैं सेटिंग बता सकता हूँ कि किस तरीके से आप अपना मनचाहा पैच, अब मान लीजिए ढप के तुरंत बाद मुझे वेस्टर्न में किक हमारी ड्रम किट लगानी है, तो अब ये चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी किस तरीके से बदलेंगी वो वीडियो लेके आ चुका हूँ, और बिल्कुल एक एक स्टेप मैं आपको बताऊँगा, इसलिए आप बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ अब हम किस तरीके से इसको लगाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें यहाँ पर एडिट बटन प्रेस करना है, और उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन सिलेक्ट के बगल में दिख रहा होगा पैच चेन, यहाँ हम चले जाएंगे। अब मान लीजिए पैच चेन में हमें ए, दोबारा पैच चेन को दबाएंगे, बी सी डी ई एफ जी एच, एच तक ये हमारा दिख रहा है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमें कहाँ सेट करना है। मान लीजिए ए में मैंने लगा रखा है, अब मुझे ये सी में सेट करना है, तो सी में मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले हमें परकेशन का पैच चाहिए। अब हम यहाँ से आप देखिए 1 2 3 4 इस तरीके से अगर करेंगे तो दोस्तों बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, इसलिए हम जब हमें प्लस करना है फास्ट तरीके से, देखिए कितनी जल्दी होगा ये, तो हमें क्या करना है, मान लीजिए प्लस करना है तो प्लस को दबा के रखना है और माइनस को हमें तो इस तरीके से हम बहुत जल्दी अपनी पैच चेन को बना सकते हैं। अब मान लीजिए सबसे पहले मुझे यहाँ पे परकेशन का पैच चाहिए, तो यहाँ मैंने प्लस को दबा के रखा, ये धीरे धीरे प्लस हो रहा है, मैं माइनस को दबा दूँगा, देखिए कितनी जल्दी जा रहा है ये। हम यहाँ से 88 पैच पे मेरा परकेशन है, तो यहाँ एक बार हम यहाँ 88 पे आ गए, सिंपल सा मुझे ऑल एंटर लिखा हुआ है, एक बार मैं इसको प्रेस कर दूँगा, देखिए किस तरीके से यहाँ मैंने प्रेस किया, अब सी में 1 पे लग चुका है 88। अब मुझे यहाँ से ढप लेनी है, तो सिंपल सा वही है, यहाँ अभी डॉट डॉट लिख के आ रहा है सी के आगे, प्लस करेंगे, मान लीजिए 88 आपने सेट किया तो 88 से ही शुरू होगा, अब ये देखिए किस तरीके से 88, अब हमारी 92 पे ढप है, तो यहाँ पे हम गए, हमने 92 पे जैसे ही गए यहाँ से एक बार हम एंटर दबाएंगे, जब यहाँ डॉट डॉट बन के आ जाएगा तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पे जो है हमारा 92 और 88 दोनों हमारे असाइन हो चुके हैं, हमारे जुड़ चुके हैं सी चेन में, पैच चेन के अंदर सीग में। अब हम लोग यहाँ से जाते हैं, अब मान लीजिए इसके बाद हमें वेस्टर्न लेना है, तो हमारा 95 पे वेस्टर्न है,
तो हम यहाँ से वेस्टर्न उठा लेते हैं। अब आप कहेंगे तो पास पास में वैसे भी बदल लेंगे, चलो एक पैच हम ना लंबा कोई दूरी का है वो उसको हम देखते हैं। मान लीजिए 40 नंबर मुझे लगानी है फास्ट रिदम कोई, तो देखिए किस तरीके से जाऊँगा। मुझे माइनस करना है क्योंकि 95 पे माइनस करके 40 पे जाएंगे, तो यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ हमने अब माइनस किया है तो माइनस को दबा के प्लस को एक बार दबा देंगे, देखिए कितनी जल्दी से ये माइनस पे जा रहा है, नहीं तो ऐसे ऐसे जाने में बहुत टाइम लगेगा। और यहाँ पे हम लोग अपनी किक को चेक भी कर सकते हैं, देखिए तो इस तरीके से हम किक को, हमारी जो हमारी किट है उसको हम चेक भी कर सकते हैं कि क्या चीज़ हमारी यहाँ आ चुकी है, बदलेगा हर बार। मान लीजिए यहाँ 44 करते हैं, 43 करते हैं, तो इस तरीके से हमारा बदलता रहेगा, इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं। मान ली 40 को हमें असाइन करना है, तो यहाँ एक बार हमने यहाँ अब 40 को कर दिया। अब मान लीजिए हमें कॉन्गो का पैच लेना है, तो हम ढूंढेंगे आराम से अपना, इस तरीके से हमने ढूंढा, अब 26 पे है वो, तो आप देखिए कितने आराम से ये पैच हमें यहाँ असाइन होते जा रहे हैं। मान लीजिए 16 हमें लगाना है, इस तरीके से अब हमें इसको फाइनल करना है। तो देखिए जब हम यहाँ सब चीज़ सेट कर लेंगे तो यहाँ हम एक बार एंटर दबाएंगे, और जब हम दोबारा एंटर दबाएंगे तो यहाँ पे हमारा 0 बन के आ जाएगा या एंटर लिख के आ जाएगा, बाहर आएंगे हम। अब देखिए जो हमने पैच चेन बनाई है वो कैसे यूज़ करनी है, एक बार हम पैच चेन पे जाएंगे, सेकंड टाइम हम बी दबाएंगे तो बीच बी बैंक में आ जाएंगे पैच चेन के, सी बैंक में आएंगे जब थर्ड बार हम पैच चेन को यहाँ से एंटर करेंगे, ठीक है। अब हमारा देखिए 88 लग गया, ये सारे पैच की मैंने एडिटिंग ऑलरेडी डाल रखी है, आप वीडियोज़ में जाइए और वहाँ बहुत सी जगह पे आपको इनकी एडिटिंग मिल जाएगी, तो आप ये बजा भी सकते हैं बना भी सकते हैं। और मान लीजिए अब हमें सीधे, मैंने बताया था आपको यहाँ पे हम बजा रहे हैं, देखिए और हमें तुरंत ढप पे जाना है, तो अब हम ढप पे चले गए 88 से सीधे 92, अब 92 से एकदम कुछ गाना आ गया ऐसा जहाँ वेस्टर्न का यूज़ करना है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे जाएंगे, तो तुरंत हम लोग 95 पे चले गए। और मान लीजिए दोबारा से हमें अब एकदम 95 से 16 पे जाना है या 40 पे जाना है, तो 40 पे हमने तुरंत प्लस किया, 14 पे आ गए, 1 2 3 4। तो ये इस तरीके से अब हमारा, मान लीजिए 40 से सीधे 60 पे जाएंगे, तो हम लोग कैसे जाएंगे देखिए, 16 पे गए हम, तो दोस्तों देखिए किस तरीके से ये हमारा बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको पैच चेंज समझ आ गई होगी। अगर आपको कहीं इसको फिर से दिक्कत आती है सेट करने में, आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। और इस तरीके से हम अपनी पैच चेन को तैयार कर सकते हैं, इससे क्या होता है लाइव प्रोग्राम में जो भी हमें पैच चाहिए वो हमें बहुत आसानी से मिल जाता है। देखिए तो इस तरीके का हम लोग अपनी वीडियो में बताते रहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पे आप नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और बहुत से पैच की मैंने एडिटिंग दे रखी है, तो वहाँ जाके आप उन पैच की एडिटिंग देख सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे जिसका नाम है ऑक्टोपैड मेनिया।